रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में कश्मीर का इशू डिस्कस किया गया कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का क्या केस है। यहाँ पर काफी बातचीत हुई, मगर भारत ने यहाँ पर आलोचना करी यूके की कि आपको कोई यहाँ पर हक नहीं बनता कि हमारे इंटरनल इशू पर आप लोग अपने पार्लियामेंट में ऐसे डिस्कशन करें। अब यूके में जब यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी, तब इनके एक पार्लियामेंटेरियन ने खड़े होकर ये कह दिया कि शुक्र करो कि भारतीय सेना कश्मीर वैली में है, अगर कश्मीर वैली से भारतीय सेना हट जाती है तो जो अफगानिस्तान में हुआ था सेम होता कश्मीर में। But just imagine, we've seen what's happened in Afghanistan. If the troops were withdrawn, if we had a position whereby the protections were not there, the plight of Jammu and Kashmir would be the same as Afghanistan, with Islamist forces coming in and eliminating democracy. ये स्टेटमेंट दी थी यूके के पार्लियामेंटेरियन बॉब ब्लैकमैन ने, जिनकी एक स्टेटमेंट से पूरा डिबेट यहाँ पर खत्म हो गया।